हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से एक्सरसाइज 3.2। यहाँ पे आप क्वेश्चन 1 देख सकते हैं, बट वो क्वेश्चन 1 है, हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, सो वी स्किप दैट क्वेश्चन, वी गो थ्रू डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखो, ऑन कंपेयरिंग अ रेशियो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एट अ पॉइंट, वो लीनियर इक्वेशन होगा वो कहीं पे क्रॉस होगा, या फिर वो दो लाइन होगी वो पैरेलल होगी, या वो लाइन होगी वो कोइंसिडेंट होगी, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो पहले हम वो टेबल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ वो टेबल ताकि आपको पता चले कि आगे हमें क्या करना है। हमें क्या करना है, अगर हमारे पास ऐसा इक्वेशन है, ठीक है, आप देखो मैंने ऑलरेडी लास्ट में बताया ही था, बट एक बार और देख लो। अगर A1 अपॉन आप डायरेक्टली सिर्फ आप ये यहाँ से तो आपको ये करना आ गया, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में से इस बॉक्स में कैसे सब वैल्यू फाइंड करें वो आपको आ गया है, A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 कैसे फाइंड करें वो भी आपको आ गया। अभी सिर्फ आपको ये कंपेयर द रेशियो है, सिर्फ वही वाला बॉक्स देखना, क्योंकि हमें दो क्वेश्चन लगातार उसी के बेस पे हमें देखना है। अगर A1 अपॉन A2 विच इज़ नॉट इक्वल टू, मतलब ये बॉक्स B1 अपॉन B2 अगर ऐसा होता है तो इंटरसेक्टिंग अ लाइन, कहीं पे वो लाइन है वो इंटरसेक्ट होगी, तो उसका सॉल्यूशन कितना मिलेगा, यस एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, इट मींस यूनिक होगा। फिर अगर तीनों रेशियो सेम है, A1 अपॉन A2 विच इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू C1 अपॉन C2 अगर ऐसा होता है तो हमें इक्वेशन कैसा मिलेगा, कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी, और कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। देन नेक्स्ट हमें क्या देखना है, अगर A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 सेम है बट विच इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो मतलब कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी और सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर ये आपके माइंड में है तो आगे आने वाले सभी क्वेश्चन आप सिंपली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, सो लेट्स सी। तो आप यहाँ पे देखो कि रेशियो यहाँ पे है, कंपेरिजन हमें रेशियो कौन सा बनाना है, इसका ही बनाना है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं पहले। क्वेश्चन 1, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंपेरिजन करना पड़ेगा, किससे कंपेयरिंग करेंगे, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला, उससे कंपेयर करेंगे। तो हमें यहाँ पे A1 की वैल्यू मिलेगी, A2 की वैल्यू मिलेगी, और A1 A2 क्या है, जो कोफिशियंट ऑफ है x और y का कोफिशियंट क्या है, y का भी कोफिशियंट है यहाँ पे, और कॉन्स्टेंट टर्म मतलब c, तो हमें सब की वैल्यू मिल जाएगी। इम्पोर्टेंट बात, वहाँ पे आपको साइन भी जो है वो ही करनी है, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन करना ज़रूरी है, यहाँ पे प्लस साइन इसलिए नहीं की है 6 में क्योंकि आगे कुछ भी साइन नहीं होगी तो वो अपने आप प्लस ही साइन रहेगी। ठीक है, तो ये करना ज़रूरी है। फिर हमें रेशियो कंपेयर करना है जो यहाँ पे है वो, ठीक है, फिर उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि आंसर क्या आएगा। सो A1 अपॉन A2 किया हमने 5/7, B1 अपॉन B2 यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, ठीक है, 3 2 जा कैंसिल हो सकता है, तो हमें फाइनली आंसर मिला -2/3। देन आप देखो A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 अगर वहीं पर दोनों सेम नहीं आते हैं तो हमें आगे C1 अपॉन C2 का रेशियो फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों सेम आते हैं, ठीक है, तो हमें C1 अपॉन C2 फाइंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट ये सेम नहीं आए हैं तो डायरेक्टली हमें कह देना है A1 अपॉन A2 विच इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, यस ऐसा होगा तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, हेंस लाइन रिप्रेजेंटिंग गिवन अ पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन एंड पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग
इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली वन पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. सो लेट्स सी नेक्स्ट. अभी आप सेम फॉर्मूला यूज करना है, हमें कोफिशियंट ले लेना है, a1 अपन a2, b1 अपन b2, c1 अपन c2, फिर उसका सिंप्लीफिकेशन करना है. अगर आप यहाँ पे देखो, पहले तो कोफिशियंट सबके लिख दिए, पहले तो कंपैरिजन किया, उसके बाद कोफिशियंट सबके लिए लिख दिए, फिर रेशियो लिया है a1 अपन a2, b1 अपन b2 एंड c1 अपन c2, वैल्यू लिख के उसका सिंप्लीफिकेशन किया है. सिंप्लीफिकेशन किया है तो आप देखो सबकी वैल्यू कितनी आती है, 1 बाई टू, 1 बाई टू एंड 1 बाई टू. अगर सबकी वैल्यू सेम है तो मतलब क्या होता है, यस आप टेबल याद करो क्या होता है, यस वो लाइन होगी वो क्या होगी, कॉन्सिडेंट. कॉन्सिडेंट मतलब कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, यस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हमें मिलेंगे. अगर तीनों रेशियो सेम आते हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हमें मिलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन. अभी आप जैसे जैसे ये बहुत मतलब बहुत ये वन लाइन क्वेश्चन में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, आपको डायरेक्टली ये दिया गया होगा और बताना होगा कि सॉल्यूशन कैसा होगा, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है. यहाँ पे देखो कोफिशियंट अपॉन सिक्स बाई टू है तो यहीं पे डिवीज़न कर लो, सिक्स बाई टू है तो कैंसिल कैंसिल होगा तो ऊपर आएगा थ्री और नीचे वन. फिर यहाँ पे दूसरा कंपैरिजन करो, वाई का कोफिशियंट माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर थ्री नीचे वन तो विच इज इक्वल टू थ्री बाई वन. फिर यहाँ पे आप देखो टेन डिवाइड बाई थ्री है तो यहाँ पे लिखो टेन डिवाइड बाई थ्री. अगर ये दोनों सेम आया इसलिए हमने सी वाला फॉर्मूला, सी की वैल्यू फाइंड की है, तो ये दोनों सेम है बट ये सेम नहीं है, मतलब पहला दो सेम है तीसरा सेम नहीं है, तो क्या होगा, यस लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी. ठीक है, जो यहीं पे हमें फाइंड करें, ये बहुत ही सिंपल है बट ये दो मार्क में पूछते हैं तो हमें यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं वैसा सब कुछ आपको लिखना है. कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन विच इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो. उसके हिसाब से हमें कोफिशियंट लिखने हैं, बाद में ए वन अपॉन ए टू और उसका सिंप्लीफिकेशन करना है, और एट लास्ट हमें कहना है कि इसका हैंस लाइन रिप्रेजेंटिंग गिवन अ पेयर ऑफ इक्वेशन आर पैरेलल. पैरेलल मिलेगा ईच अदर एंड हैंस विल इंटरसेक्ट ईच एट एनी पॉइंट और देर इज नो पॉसिबल अ सोल्यूशन ऑफ पेयर. वो कहीं पे भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं होगी और हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा. ठीक है, तो अगर ये एक मार्क में आता है तो आप सिंपली डायरेक्टली वहीं पे कर दो, और दो मार्क में आता है तो ये प्रोसेस वाइज आपको लिखना पड़ेगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन भी वैसा ही है, टोटल फाइव है, लगता है आप ये कर पाएंगे बट मैं यहाँ पे सिंपली समझाता हूँ. ठीक है, वहीं वाला करना है, कुछ नहीं करना है बट यहाँ पे थोड़ा चेंज है. ओके, पहले क्वेश्चन देखो. ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्ट और इनकंसिस्ट. कंसिस्ट मतलब क्या होता है, कंसिस्ट मतलब हमें सॉल्यूशन मिलेगा तो वो होगा कंसिस्ट, और इनकंसिस्ट मतलब हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. तो दो पॉसिबिलिटी है तब हमें सॉल्यूशन मिलता है. कौन सी दो पॉसिबिलिटी है, अगर ए वन अपॉन ए टू एंड बी वन अपॉन बी टू ये जो है वो दोनों इक्वल ना हो तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा. बट दूसरी भी ये तो हुई वन पॉसिबिलिटी. अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, यस ए वन अपॉन ए टू एंड बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू सब एक दूसरे के इक्वल हो गए तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा. तो पहली कंडीशन नॉट इक्वल टू, दूसरी कंडीशन तीनों इक्वल टू होने चाहिए. अगर हमें कब नहीं मिलेगा सॉल्यूशन, ये जो मैंने रॉन्ग किया कब नहीं मिलेगा, और मतलब इनकंसिस्ट कब होगा, जब ए वन अपॉन ए टू एंड बी वन अपॉन बी टू तो होगा, ये तो इक्वल टू होगा बट विच इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू. अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे वो इनकंसिस्ट है. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं वन बाय वन.
So 3x plus 2y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 7. तो हमने यहाँ पे comparison नहीं किया, directly ratio लिखा है, a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. तो simplification भी यहाँ कुछ नहीं होता है, directly जो है वहीं रहेगा. तो आप देखो यही दोनों अगर not equal to है तो हम directly कह सकते हैं intersecting each other one point thus have only one possible. So इंटरसेक्ट करता है और एक सॉल्यूशन मिलेगा तो वो इक्वेशन कैसा है, कंसिस्ट है. लेट्स सी सेकेंड वन. यहाँ पे कंपैरिजन ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू. तो हमने लिखा 2/4 माइनस 3/-6 एंड 8/9. तो 2/4 का सिंप्लीफिकेशन होगा 1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया. यहाँ पे 3/2 6 है तो वो होगा 1/2, बट इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा. तो हमें एक वैल्यू मिली 1/2, दूसरी भी 1/2 एंड यहाँ पे मिली 8/9. तो ये दोनों तो इक्वल आते हैं, ठीक है, बट ये C1 C2 इक्वल आता नहीं है, मतलब हमें सॉल्यूशन मिलेगा नहीं. तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी लाइन और सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट. अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वो है इनकंसिस्टेंट. थर्ड वन देखते हैं. a1 upon a2 लिखा है, b1 upon b2 एंड c1 upon c2. आपको पहले ये देख लेना है. और एक दूसरी बात आप देखो यहाँ पे इक्वेशन में, तो यहाँ पे इक्वल टू के उस तरफ है तो c1 upon c2. अगर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड होता और इक्वल टू जीरो होता, मान लो कि ये जो एग्जांपल है 3x plus 2y equal to 5 है, ठीक है. वेट अ मिनट, मैं थोड़ा आपको सही से करके दिखाता हूँ. 3x plus 2y is equal to 5 एंड दूसरा ये इक्वेशन जैसा है वैसा ही मैंने लिया. अगर दूसरा इक्वेशन ऐसे दिया होगा 2x minus 3y plus 7 एंड इक्वल टू जीरो, तो आप सॉरी ये जीरो ही है, जीरो प्लस, ठीक है. अगर ऐसा इक्वेशन दिया है तो आप देखो कांस्टेंट टर्म है एक बार इक्वल टू के राइट हैंड साइड है और कांस्टेंट टर्म दूसरी बार इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड है, तो आपको पहले वो करेक्ट करना है, बाद में ही रेशियो लेना है. अगर ये करेक्ट नहीं करेंगे आप तो आपका रेशियो गलत आएगा. रेशियो गलत आएगा तो आप जो स्टेटमेंट देंगे रेशियो के बेसिस पे के इक्वेशन मिलेगा या नहीं वो भी गलत होगा. तो आपको पहले ये करेक्ट करना है, या तो 5 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो या फिर प्लस 7 को आप राइट हैंड साइड जाने दो, तभी आपका आंसर सही रहेगा. और यहाँ पे प्लस नहीं आता है, माइनस आता है, ठीक है. सो दैट इज द थिंग यू हैव टू चेक फर्स्ट. अगर वो छोटी चीज हम नहीं चेक करेंगे तो भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है. सो थर्ड वन है 3/2, 5/3 एंड 7, 9, 10 एंड 14 रेशियो है. तो यहाँ पे 3/2 / 9 कर दिया, मतलब ये 2 क्या होगा, ये 2 और 9 का मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब ये 18 हो जाएगा, ठीक है. सो 3/18, तो यहाँ पे 6 3 18 कैंसिल होगा तो आंसर मिलेगा 1/6. फिर यहाँ पे ये 3 है वो भी नीचे जाएगा, 5 2 डायरेक्टली कैंसिल कर देते 5 2 तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे 3 and 2 विल बी माइनस, तो माइनस रहेगा ही, माइनस साइन है तो -1/6 और c1 upon c2 7/14 है तो यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा तो 1/2. तो आप देखो ये 1/6 है, यही इक्वल टू नहीं है, तो हमें c1 वाला रेशियो चेक ना करें तो भी नहीं चले, क्योंकि माइनस है तो हम ऐसा नहीं कह सकते, माइनस है तो इक्वल कर सकते हैं, ठीक है. तो ये रेशियो ही नहीं आया तो हमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा, वन पॉइंट इंटरसेक्ट होगा लाइन में और है ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन है कंसिस्ट है. देन नेक्स्ट फोर्थ वन 5/10, मैं यहीं पे लिख देता हूँ. आपको मैं नोट्स भी दिखाऊंगा. 5/10 है, अगर यहाँ पे आप डिवीजन करो तो ऊपर यहाँ पे कैंसिल होगा,
डिवीजन करो तो यहाँ पे 5 कैंसिल होगा तो बचेगा -1/2। अभी इक्वल टू है या नहीं वो देखना है। यहाँ पे माइनस है, नीचे प्लस है, मतलब माइनस तो आएगा ही। 3 और 6 कैंसिल हो गए, नीचे बचेगा 2, सो -1/2। तो ये तो इक्वल आ गया। अब ये देखना है, यस ये भी आएगा -1/2। मतलब तीनों वैल्यू सेम है, तीनों वैल्यू सेम है, मतलब क्या होगा, यस कोइंसिडेंट होगा, कोइंसाइड होगा A1/A2, B1/B2 and C1/C2 कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन होगा वो कंसिस्ट होगा। फिर नेक्स्ट 4/3, जस्ट सिंप्लीफिकेशन 4/3/2, फिर 3 नीचे आएगा और 2 कैंसिल होगा तो फाइनली आंसर मिलेगा 2/3, और ये भी 2/3, ये भी 2/3, मतलब तीनों सेम मिले हैं तो सेम वे जो आगे हुआ वही कोइंसिडेंट पेयर है तो हमें इक्वेशन मिलेगा इट इज कंसिस्ट। आप यहाँ पे जो सॉल्यूशन में एक बार दिखा रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, बट आपको लेक्चर नोट भी ऑनलाइन मिल जाती है तो मैथ्स की लेक्चर नोट इतनी लिखनी ज़रूरी नहीं है, बट मैं पेपर पेन से जो लिखवाता हूँ वो आप लिख लोगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी फॉर्मूला चेंज हुए होंगे, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मेथड चेंज हुई होगी। अगर आपको लिखना है तो लिख लो वीडियो पॉज करके। मैं ड्रैग करता हुआ, आप वीडियो पॉज करके लिखना है तो लिख सकते हैं। ओके, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज नॉट पार्ट ऑफ आर सिलेबस, सो वी गो थ्रू द डायरेक्टली 5th क्वेश्चन। यस, ये नंबर 5 है हमारे पास। हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 meter more than its weight is 36 meter. ये 36 meter वो क्या है, वो half parameter है, ठीक है, half parameter. दूसरा है हमारे पास whose length is 4 meter more than its weight, whose length is 4 meter more than its weight. तो हम length को weight है, weight उसको हम x denote करते हैं और जो लेंथ है उसको y डिनोट करते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वेट। पहले तो हम y x इक्वल टू y पहले लिख देते हैं, फिर क्या करना है आगे, किस में प्लस करना है, किस में इक्वल टू आएगा, ठीक है, दोनों में से हम कंपेरिजन करेंगे तो इक्वलिजन साइन तो आएगा ही। लेंथ इज 4 मोर देन इट्स वेट, तो वेट है, ठीक है, ये वेट है और ये लेंथ है, तो वेट में 4 हम ऐड करेंगे प्लस 4 मीटर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेंथ, तो प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन क्या है, हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। हाफ पैरामीटर मीन्स ये लेंथ है और वेट है, मतलब पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रीथ, ब्रीथ मतलब वेट, 2 टाइम एल प्लस बी। तो हमारे पास एल भी है और बी भी है, ठीक है, बट हमें हाफ चाहिए तो 2 टाइम होता है पैरामीटर के लिए, तो हाफ के लिए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स प्लस 5 विच इज इक्वल टू 36। तो ये हुआ हमारा दूसरा इक्वेशन। सो नाउ लेट्स सी दैट इक्वेशन। यहाँ पे हमने लिख दिया है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। लेट वेट बी द, पहले ये लिखना, लेट बी वेट बी द गार्डन ऑफ, सॉरी, लेट द वेट ऑफ अ गार्डन बी एक्स एंड लेंथ इज वाई। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो हमने, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4 एंड वाई प्लस एक्स इक्वल टू 36। ये हुआ सिंप्लीफिकेशन। तो पहले हम x और y की वैल्यू इक्वेशन 1 के लिए यहाँ पे लेते हैं। अगर x की वैल्यू 0 हम लिखेंगे तो y डायरेक्टली क्या होगा, अगर ये होगा ही नहीं तो y की वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी, 4।
फिर यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, 8 उस तरफ जाएगा तो प्लस 8 होगा, 8 प्लस 4 विल बी 12, देन नेक्स्ट हम 12 लिखेंगे तो 12 प्लस 4 विल बी 16, देन दूसरा इक्वेशन लेते हैं y प्लस एक्स इक्वल टू 36, पहले हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 36 डायरेक्टली, y x चला जाएगा तो y की डायरेक्टली दिख रही, अगर हम y की वैल्यू 36 लेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 0, क्योंकि 36 में से 36 निकल जाएगा, सॉरी x की वैल्यू ले दे देखो आपके ताकि आपको समझने में आ सके, x की वैल्यू 36 लेगी, 36 प्लस इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 36 होगा तो हो जाएगा 0, तो ये मिलेगा 0, फिर क्या करते हैं x की वैल्यू 16 लेते हैं, x की वैल्यू 16 तो 36 माइनस 16 होगा तो होगा 20, तो हमें सब वैल्यू मिल गई। अभी हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, दोनों टेबल को, पहली वैल्यू है 04, यहाँ पे आप देखो हम पहले टेबल के लिए ले रहे हैं 04, उसके बाद लेंगे 812 एंड उसके बाद 1216, 04 के लिए हम लेते हैं पहले 04, तो 04 हमें क्या दिखती है वैल्यू, 04 ग्राफ में यहाँ पे दिखती है, ठीक है, और उसके बाद है वैल्यू 812 वो है यहाँ, देन नेक्स्ट वैल्यू है 1216 वो है वैल्यू यहाँ, तो फिर ये तीनों पॉइंट हम रख के हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे ताकि हमें एक लाइन मिल जाए, देन नेक्स्ट अभी दूसरा टेबल के लिए करते हैं, तो पहली वैल्यू है 036, दूसरी है 360 एंड तीसरी है 1620, तो पहली वैल्यू 036 वो मिली हमें यहाँ, फिर 360 वो वैल्यू हमें मिली यहाँ, और 1620 वो वैल्यू मिली हमें यहाँ, तो ये लाइन हम ये लाइन तो ऑलरेडी थी, अब ये लाइन हम बना देते हैं, तो जहाँ पे भी पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा बीच में, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट होगी और जो पॉइंट बनेगा वो होगा हमारा सॉल्यूशन, सो हियर डायमेंशन इज, हमें डायमेंशन फाइंड करने के लिए कहा था ना, तो ये डायमेंशन हुआ 16 एंड 20। फ्रॉम फिगर वी कैन ऑब्जर्व दैट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओनली पॉइंट 16, 20, देयरफॉर द लेंथ एंड वेट ऑफ अ गिवन गार्डन इज 20 मीटर एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो ये हुआ डायमेंशन। सो इन दिस वीडियो वी कंक्लूड दिस एक्सरसाइज, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पार्ट में है ही नहीं सिलेबस में, तो हम वो स्किप करेंगे, 6, 7 which is also not a part of that chapter. तो next time हम textbook से सीखेंगे algebraic method of solving pair of linear equation. Up to there, goodbye, have a great day.